अधिकतर राजनीति में विरासत को स्वीकार नहीं करते। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश की तारीखों के ऐलान की जानकारी सामने आ रही है। चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान करेगा। दो राज्यों को लेकर चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में। दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि चुनाव आयोग आज दोनों ही राज्यों को लेकर तारीखों का ऐलान कर सकता है। ये दोनों ऐसे राज्य जहां पर इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कौन सी वो तारीख होगी, इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से कुछ ही देर में ऐलान किया जाना है। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा दोनों ही राज्यों में आचार संहिता लागू हो जाएगी और इसके बाद देखेंगे आप किस तरीके से ताबड़तोड़ रैली की जाएंगी, किस तरीके से वोटर्स को मनाने की अपील की जाएगी, किस तरीके से। अब देखिए गुजरात में अभी भी देख रहे हैं हम किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जोर आजमाई शुरू कर दी। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उधर बीजेपी की ओर से कमान सीधे सीधे पीएम मोदी ने संभाल लिया और हिमाचल प्रदेश में भी 10 दिन के भीतर भीतर पीएम की ओर से ही 2 बार दौरा किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग करेगा तारीखों का ऐलान। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार सभी को है जिसमें गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। दोपहर 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, काफी अहम होती है जिसमें पूरी जानकारी दी जाएगी और आचार संहिता लागू हो जाएगी। जिस देखिए हम क्योंकि मिशन गुजरात और मिशन हिमाचल पर पहले से ही बीजेपी ने नजर रखी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें गुजरात की तो आम आदमी पार्टी ने वहां पर जोर आजमाइश की है, तो ऐसे में आज जो ऐलान होगा इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। हर एक राजनीतिक दल जो है इस वक्त दोनों ही राज्यों में जोर आजमाइश करता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी ताबड़तोड़ दौरे हमने देखे हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश में। कल बड़ी सौगात यहां पर हिमाचल प्रदेश की जनता को देते हुए नजर आए, वंदे एक्सप्रेस ट्रेन की वहां पर शुरुआत की गई। इसके साथ ही गुजरात में अगर देखें जो कि गृह राज्य खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और अलग से जुड़ा वहां पर अक्सर दिखाई देता है, लेकिन इस बार जो मुकाबला है वो इस तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार अपनी जमीन वहां पर बनाने की कोशिश कर रही है। नीरज हमारे साथ हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए जुड़ गए। नीरज